की प्रेस कॉन्फ्रेंस भोजपुर पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बुलाई गई है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि एक विशेषर ओझा का हत्याकांड हुआ था जो जगदीशपुर अनुमंडल के करनामेपुर ओपी अंतर्गत आता है, और उसके बाद उनका एक मुख्य गवाह था जो कमल किशोर मिश्रा, उनकी हत्या 2018 में कर दी गई थी। और उस हत्या में शामिल जो 5 मुख्य अभियुक्त थे उसी में एक अभियुक्त उमा शंकर मिश्रा थे जो जेल उस समय गिरफ्तार होकर गया था। उसके बाद 2022 में इसने इसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, उसके आधार पर इसने जो है माननीय उच्च न्यायालय से जो है कुछ चीज़ें बता के कुछ चीज़ें उसमें से गलत भी पाई गई थी, तो उसके आधार पर इसने प्रोविजनल बेल लिया था। प्रोविजनल बेल में ये प्रावधान था कि 4 सप्ताह में जो है सारी ये जो भी रिचुअल्स है उसको पूरा करने के बाद फिर इनको जो है माननीय न्यायालय में अपना आत्मसमर्पण करना था। लेकिन ये कुछ अन्य और जो अपराधी थे उनसे जो है मिली भगत करते हुए जो भी माननीय उच्च न्यायालय के जो दिए गए दिशा निर्देश थे उसका जो है उल्लंघन करते हुए ये फिरार हो गया घर से, और लगातार ये फिरार था। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पुलिस अधीक्षक भोजपुर के जो है इसकी गिरफ्तारी के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे, और उसी में लगातार भोजपुर पुलिस जो है इसमें छापामारी कर रही थी, और लेकिन ये कई राज्यों में भाग रहा था क्योंकि एक ठिकाना कभी नहीं रखता था, मोबाइल वगैरह भी जल्दी यूज़ नहीं करता था। इस तरीके से शुरुआत में इसको गिरफ्तार करने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी, और उसी आलोक में अभी मुख्यालय के द्वारा जो है एक टीम का भी गठन किया गया था जिसमें हमारे एसटीएफ टीम भी शामिल थी, एसटीएफ की भी टीम शामिल थी, और जिला पुलिस की भी कुल मिला के लगभग 5 विशेष टीमों का गठन किया गया था, और इस पर पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। और एक साथ जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल अलग अलग राज्यों में हमारी विशेष टीम लगातार छापामारी कर रही थी, और इसी छापामारी के क्रम में जो है आज सुबह जो है ये जो फिरारी अभियुक्त जो 50,000 इनामी है, और ये इनाम जो है अभी कल ही घोषित किया गया था पुलिस मुख्यालय के द्वारा, और जिला पुलिस के द्वारा पहले ही इनामी घोषित है। तो इस अभियुक्त की जो है आज जो है ये चोरी छुपे लगातार पुलिस की जो कार्रवाई चल रही थी ये अपने वकील से मिलने के लिए और किसी अन्य प्लान से जो है ये जा रहा था, और आरा कोर्ट से पहले रमना मैदान के पास से जो है जो हमारी विशेष टीम थी इन्होंने इसको गिरफ्तार किया है विधिवत, और गिरफ्तारी के बाद अब इनको माननीय न्यायालय में समर्पित किया जाएगा। और इस तरीके से जो है यह एक अभियुक्त जो सिद्धत बना हुआ था और 50,000 का इनामी भी था, और इसकी जो है जो विशेष टीम हमारी थी गिरफ्तारी करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है, और इस तरीके से इसका जो कई जो है इसके आपराधिक इतिहास भी है, और इधर भी कुछ कांड जब ये जेल से फरारी था उसके बाद भी फायरिंग वगैरह में कई घटनाओं में शामिल रहा था, उन घटनाओं में भी जो है इसको रिमांड किया जाएगा, और अन्य इसका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, जिन जिन कांडों में इसकी संलिप्तता होगी उन कांडों में इसको रिमांड किया जाएगा, और माननीय न्यायालय में जो है आगे जो भी अनुसंधान होगा वो सारी जो है सूचना समर्पित की जाएगी। सर इसने बताया था कि किसने इसकी मदद की थी भागने में? हाँ, इसमें बताया है कुछ लोगों को जो इसके सहयोगी थे जो इसको माननीय न्यायालय से जब 4 हफ्ते का जो प्रोविजनल बेल मिला था और उसमें फिर इसको आत्मसमर्पण करना था, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बताई हैं कि कुछ लोग हैं और जो अपराधी किस्म के हैं जो इसकी मदद किए हैं उनके भी बारे में हम लोग आज सूचना संकलन कर रहे हैं, और आगे अनुसंधान में जो भी कड़ियाँ खुलेंगी उसके तहत उनके खिलाफ भी विधिसंगत कार्रवाई, जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसी साक्ष्यानुसार जो है विधिसंगत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हाँ, अभी जो देखिए जो ये पुरस्कार घोषित हुआ है पुलिस मुख्यालय के द्वारा तो 50,000 का इनाम है, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है उसके द्वारा जो है पुलिस टीम को जो हमारे पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन अभी तत्काल जो है मेरे द्वारा जो अपनी जो टीम ने हमारी इतनी मेहनत का काम किया, कई राज्यों में जो ये लगातार भाग रहा था, कल भी जो है ये जब टीम जो है गोरखपुर के आसपास जो छापामारी की तो वहाँ से रात में इसने बताया कि वहाँ से कल भागा है ये, और बस से जो है बक्सर आया है, और बक्सर के बाद फिर यहाँ से बक्सर से ट्रेन पकड़ के सुबह जो है ये आरा स्टेशन उतरा है, आरा स्टेशन से ये फिर अपने वकील से मिलने के लिए जा रहा था, उसी क्रम में हमारी विशेष टीम ने इसकी गिरफ्तारी की है। तो इस तरीके से हमारी जो कई टीम है उन्होंने लगातार काम किया, और जिस टीम ने यहाँ अभी इसको जो है गिरफ्तारी सुनिश्चित की है उस टीम को अभी हम पुरस्कृत करना चाहेंगे। आ जाइए अपने।